एक बात अच्छा नहीं लगता है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ पे देखो दोस्तों बॉटल यहाँ पे सोर के कचरा सोर के चला जाता है। देखेंगे कैसे, देखो इस तरफ भी है तो यहाँ पे पानी बह रहा है। देखो वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग्स, और मैं आज आ चुका हूँ सामुगुरी यानी तेजपुर का साइड। तो मैं और मेरा चाचा यानी मेरा से उम्र छोटा है लेकिन संबंध में होता है चाचा, तो चाचा भतीजा आज घूमेंगे। तो चलो जहाँ जहाँ जाएंगे, ये है चाचा का बाइक, तो चलो घूमते हैं आज का पूरा दिन। ये वीडियो थोड़ा धमाकेदार होगा क्योंकि वीडियो मजेदार होगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलो लेट्स गो, घूमते हैं आज मजेदार मजेदार आसाम का नज़ारा देखते हैं। ये रोड है हाई रोड जो कि पीछे गुवाहाटी जा रहा है और इस तरफ जा रहा है लखीमपुर माजोली जा सकते हैं। तो लेट्स गो दोस्तों, ये आसाम का हरा भरा नज़ारा, पेड़ पौधे और मौसम देखो दोस्तों कितना मौसम अच्छा है, और सामने का नज़ारा देखो दोस्तों, रोड देखो, खेत, ये नज़ारा दोस्तों सिर्फ गाँव में ही मिलेगा आसाम नॉर्थ। ये देखो दोस्तों चाय जो हम पीते हैं, चाय ये देखो इस तरफ भी देखो। रास्ता का काम चल रहा है दोस्तों, इसलिए ऐसा नजर आया। तो चलो अभी एक मजेदार जगह के लिए जा रहे हैं हम लोग, चलो देखते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ, कभी यहाँ नहीं, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। चलो अच्छा रहेगा, एंजॉय करेंगे, आप लोग वीडियो को देख के एंजॉय कीजिए, लेट्स गो। ये रोड जो है रोड का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसा रास्ता है। तो दोस्तों आते आते पहुँच गया हूँ हम लोग अरुणाचल प्रदेश। ये देखो दोस्तों नज़ारा अरुणाचल प्रदेश का, ये आसाम और अरुणाचल का बॉर्डर है। देखो अरुणाचल का वो देखो पहाड़ दिखते हैं वो देखो। तो लेट्स गो, आज बहुत दिन का बाद फिर से आ गया हूँ पहाड़ी में, लेट्स गो। ये कुछ ऐसे नज़ारा है दोस्तों, और उस तरफ देखो पहाड़ है, और यहाँ पे रास्ते का काम चल रहा है, हो जाएगा कुछ दिनों का बाद तब व्यवस्था हो जाएगी। देखो क्या मजेदार जगह पे आ गया हूँ, पानी देखो दोस्तों, ओ देखो मछली, अबे मछली पकड़ रहा है देखो उस तरफ, नहाने का मन कर रहा है भाई, एकदम मस्त पानी देखो, पूरा मछली जा रहा है वो दिखाई दे रहा है, पर नहाने का मन कर रहा है वो देखो दोस्तों। इस तरफ ज्यादा पानी है, इस तरफ जो है पानी ज्यादा है, इस तरफ थोड़ा थोड़ा जा रहा है। चलो आप लोगों को दिखाता है, और मैं भी पहली बार आया हूँ, बस मस्त लग रहा है यार, तो इनका वजह से आ पाया मैं यहाँ पे। और पानी दोस्तों इतना क्लीन है, पानी देखो इस तरफ से जाके फिर इस तरफ घूम के फिर इस तरफ जा रहा है, और इतना पूरा मतलब पी सकते हो पानी, इतना सुंदर है भाई पानी देखो इस तरफ से। ये गर्मी में दोस्तों ये नहाने का बेस्ट तरीका, और पानी मस्त मजेदार है। देखो पत्थर है यहाँ पे, और वहाँ पे देखो लोग मछली पकड़ रहे हैं। एक गमछा लेके आता तो नहा सकता था, चाड्डी पहन के नहाएंगे चलो। एक गमछा लेके आता तो नहा सकता था ना, चाड्डी पहन के नहाएंगे, बनियान है और गंजी है, नहाएंगे दोस्तों नहाएंगे। तो मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं मुझे चाचा बोला नहीं ऐसा है, मतलब आइडिया मुझे पता नहीं था, तो आप लोगों को भी फायदा हुआ, इतना सुंदर एक खूबसूरत जगह दिख पाया और मैं भी देख पाया देखो। और इस तरफ पहाड़ है, जंगल है इस तरफ देखो,
यहाँ पे ढाबा वगैरह दुकान वगैरह है, कुछ खा सकते हो। इस तरफ पानी देखो दोस्तों, पूरा एकदम क्लीन है। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे देखो दोस्तों, प्लास्टिक बोतल फेंक के रखा है, नहीं फेंकना चाहिए। दिस इज नॉर्थ ईस्ट। ये खूबसूरत खूबसूरत सा नज़ारा दोस्तों, यहाँ पे बैठ के इतना सारा प्लास्टिक फेंक के रखा है, यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए, गलीच नहीं करना चाहिए। ये देखो पत्थर पत्थर। दोस्तों इस जगह का नाम है सीजूसा पिकनिक स्पॉट, ये अरुणाचल में पड़ता है। तो दोस्तों ये मुझे एक बात अच्छा नहीं लगता है, लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते हैं और यहाँ पे देखो दोस्तों बॉटल यहाँ पे छोड़ के, कचरा छोड़ के चला जाता है। ये गलती नहीं करना चाहिए, इसको हमें अच्छे से रखना चाहिए क्लीन करके। ये गलती मत करो, फिर आप लोग तो करके चला जाओगे, फिर दूसरा लोग फिर आएंगे, फिर वो लोग ऐसे गलत देखेंगे कैसे। देखो इस तरफ भी है, तो यहाँ पे पानी बह रहा है, देखो पूरा मज़ेदार हवा आ रहा है एकदम। इस तरफ जंगल है, इस तरफ जाना थोड़ा खतरा है, और यहाँ पे जंगल है और खतरा भी है, नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पे थोड़ा घूम घाम के, तो गमछा लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं, नहाने को कोशिश करेंगे चाटी पहन के। तो ये है सूजोसा पिकनिक स्पॉट, मज़ेदार जगह है, आप लोग घूमने के लिए आ सकते हो, क्योंकि इतना सुंदर खूबसूरत नज़ारा आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर ही मिलेगा। तो वहाँ पर मछली पकड़ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ, यहाँ पे दुकान वगैरह है, कुछ खाएंगे और यहाँ पे नहाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा जगह बार बार नहीं मिलता है घूमने को। तो आया हो तो थोड़ा इसका ठंडा लेके जाएंगे। देखो कितना सुंदर पानी, आपको पूरा पत्थर दिख रहा है ना वो देखो, लेकिन पानी गहरा है फिर भी पत्थर दिख रहा है, क्योंकि पानी पूरा सफेद है। चलो आगे ऐसे दिखाते जाएंगे आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग पानी में आ गया।